सब यहाँ खड़े हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे। उधर जाओ भाई, उधर जाओ, उधर नहीं मिलेगा। अच्छा इमरान भाई, आपको कैसा लग रहा है बाहर रास्ता हमारी बांट करके और खुले में चलते हुए? मैंने बहुत अच्छा लग रहा है, और खुद अपने हाथ से बांट के और अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, आप जब मदद क्योंकि आप से करवाते हैं तो वो दिल को सुकून नहीं मिलता। नहीं आप खुद आकर के लोगों के बीच खड़े होकर बांटते हैं हमेशा, जैसे आप एयर कंडीशन में रहते हैं, खुले में है तो कैसा लग रहा है, पसीना पसीना होने के बाद? एयर कंडीशन बना रखा है, उससे अच्छा कोई एयर कंडीशन नहीं होता। जी जी, कोई एसी जो है इस हवा का मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो मैं सामान लदा हुआ है उस टेम्पो में बैठे हम लोग, हाँ देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है, जो एयर कंडीशन में रहने वाले इंसान हमेशा उसके पास कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन हमारी गरीबी हमारे यहाँ की बदहाली को देखते हुए, एयर कंडीशन को छोड़ते हुए हमारे साथ गाड़ी के ऊपर वाला भाग में बैठ करके लोगों को बाहर रास्ता बांटने के बाद हमारे साथ चलते हुए चल रहे हैं इमरान साहब। हम इनका तेजी से शुक्रिया अदा करते हैं पूरे सीमांचल और सीमांचल की ओर से। बहुत अच्छा लगा कि इतने दूर से यहाँ आए हैं जी, हम इनका स्वागत किए और बहुत अच्छा लगा कि भाई उस दर्द को समझने के लिए, सीमांचल के दर्द को, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनके पूरे टीम का शुक्रगुजार हूँ, सीमांचल को चुना और हमारे पाटिल कला को चुना उन्होंने। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बस इस दर्द में शामिल होना ही बहुत बड़ी बात है। लोग कितना क्या करते हैं वो अलग इशू है, लेकिन आप दर्द को समझ रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 2017 में बहुत बुरी तरह से बाहर आई, ठीक है जी, इसमें उस वक्त भी इमरान भाई यहाँ आए थे और आकर के उन्होंने जो मैसेज दिया था उनके मैसेज की वजह से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ आकर यहाँ काम करने लगे। इस मरतबा भी थोड़ी सी ताखिर हो गई, ये आने वाले थे बहुत पहले ही, लेकिन उनकी वजह के वजह से आज लेट हो गया। इमरान भाई सीमांचल से जो लगाव है वो बहुत पहले से है और इंसानियत और हमदर्दी और मानवता के लिए, इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। और हमेशा हर वक्त जब कभी सीमांचल ही में नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कोई मुसीबत आती है तो इमरान भाई बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और आगे आते हैं। हम लोग दुआ कीजिए उनके लिए कि ये जो नौजवान है इनकी जो आवाज़ है ये इस तरह गूंजती रहे और मजलूमों के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहें। और आज इमरान भाई के साथ हमें काम करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो इतने दूर से यहाँ की और आप देख रहे खबर सीमांचल। और हमारे साथ आज खास मेहमान है जो कि हमारे इलाहाबाद से चल कर प्रतापगढ़ से चल करके आया है हमारे बीच, इमरान प्रतापगढ़ी साहब। प्रतापगढ़ी साहब जो बहुत ही काफी मशहूर है, जिनको कौन नहीं जानता है पूरे इंडिया में नहीं और विदेशों में इनका चर्चा है, वो हमारे बीच आए हैं। हमारे बीच में क्यों आए हैं इस चीज को हम उनसे ही जानते हैं, क्या वजह हुई हम लोग के बीच आना पड़ा, आप अपने से बताइए। यहाँ पे सैलाब आया हुआ है, लोग परेशान है, तो हम लोग 2017 में मदद के लिए हम लोग एक टीम लेकर के पिछली बार भी आए थे और इस बार भी आए, हमारी कोशिश है कि लोगों के दुख बांट सकें और लोगों के पास थोड़े से जो ज़रूरत के सामान जो ज़रूरी है जो बाढ़ में बह गए या ख़राब हो गए वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो ज़रूरी सामान है वो लोगों तक पहुँचा सकें, तो हम लोग किट लेकर के आए हैं बांटे के लिए और अभी इंशाल्लाह 2-3 दिन रहेंगे किधर सीमांचल में। तो आप सीमांचल में कहाँ कहाँ आपका अभी तो हम लोग मौलाना मरहूम कासमी साहब के घर पे गए, कब्र पे गए, स्कूल में गए, क्योंकि पिछली बार वो साथ थे इस पूरी मुहिम में, तो उनसे एक बड़ा लगाव रहा है मुझे, सरपरस्त रहे हैं वो हम सब के। पहले वहाँ गए, उसके बाद फिर हम लोग फूलगाछी और आठगाछी गांव का नाम था जहाँ कटाव बहुत ज़्यादा है। हम लोग सुबह डीएम से भी मिल रहे हैं ताकि वो गांव जो बिल्कुल कटाव के मुहाने पर है, जो बर्बाद होने के कगार पर है, उनको बचाया जा सके। बाकी सामान बांटेंगे, जिन जिन इलाकों में ज़्यादा बाढ़ से जो मुतासर हैं वहाँ जाएंगे हम लोग। चलिए, आपको सीमांचल की पूरी आवाम की ओर से आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप एक दर्द को समझ रहे हैं हमारे सीमांचल को, क्योंकि हमारे यहाँ सीमांचल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत पैसे वाले भी, लेकिन इस चीज़ को दर्द को नहीं समझते। आप बहुत दूर से हमारे दर्द को समझ करके यहाँ पहुँचे हैं, मैं पूरी आवाम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, ये मैं अपने दिल के सुकून के लिए मुझे ये सब करके अच्छा लगता है। तो हमारे साथ भोपाल से लोग हैं, हमारे साथ इंदौर से कुछ दोस्त हैं हमारे, तो पूरे मुल्क भर से कुछ अच्छे लोग हैं जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि हम लोग पिछली बार भी आए थे तो इस बार जब बाढ़ आई ये हुआ कि नहीं हम लोगों को चलना है, हम लोगों ने सामान इकट्ठे किया और हाजिर हो गए, लोगों का सामान तकसीम करेंगे, उनको दुआएँ लेंगे और अपने घर चलेंगे।